देखिए, तालाबंदी इसलिए की गई है कि यहाँ हमारे महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय के लिए स्टाफ को अटैचमेंट किया जा रहा है। पहले किसी स्टाफ को किया जा रहा है, उनका रुकवा रहे, फिर दूसरे का किया जा रहा है। यहाँ पूर्व से ही अध्यापकों का बहुत अभाव है, बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि पछौद उनका एकमात्र सबसे बड़ा महाविद्यालय ही है, डिग्री कॉलेज हमारा। तो यहाँ पे 600-700 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं, दो स्टाफ केवल है। जहाँ 4 स्टाफ 5 स्टाफ होने, तो वहाँ 2 ही स्टाफ है। तो यहाँ से अटैचमेंट किया जा रहा है। तो इस विरोध में हमने पहले भी ज्ञापन दिया है, कल भी ज्ञापन दिया है, और हमने कल से ही कॉलेज महाविद्यालय अपना पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, तालाबंदी कर दी है। कब तक विद्यालय बंद रहेगा? ये महाविद्यालय तब तक बंद रहेगा जब तक ये आदेश वापस ना ले लो। हमें यहाँ कॉलेज के लिए आदेश ना कर दे कि स्टाफ का यहीं पर अटैचमेंट रोका गया है, आगे लिए अटैचमेंट हम अपने स्टाफ को होने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? आगे स्टेप रहेगा, अगर ये स्टेप ये रहेगा हमारा आगे, अगर हमारा स्टाफ को अटैचमेंट भी भेज देते हैं तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, तत्काल आंदोलन पे बैठ जाएंगे हम। क्योंकि हमारे प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, हमारा बच्चा एडमिशन ले रहा है, बच्चा एडमिशन ले रहा है स्टाफ पढ़ाने के लिए नहीं है। बच्चे का एडमिशन लेके क्या फ़ायदा है इस चीज़ में? फ़ायदा तभी है हमारे लिए स्टाफ हो यहाँ पे, तभी हमारा फ़ायदा है। फिर इसलिए स्टाफ को भेजे तो हमारा क्या फ़ायदा फिर? इसलिए हमें कॉलेज बंद करवाना पड़ रहा है, कॉलेज बंद करवा दिया, और तब तक ही कॉलेज बंद रहेगा जब तक ये आदेश वो आपसे न ले। आपका शुभ नाम क्या है? प्रेमचंद नोटियाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। छात्रों ने यहाँ तालाबंदी करी है, क्या मामला बताएंगे आप? ये मामला ऐसा है, हमारे यहाँ पे 3 इतिहास के जो हैं प्राध्यापक थे, तो एक प्राध्यापक को यहाँ से संबद्ध कर दिया गया है उच्च स्तर से, डायरेक्टरेट स्तर से, थलीसेन महाविद्यालय में। वहाँ पर एक भी प्राध्यापक नहीं था, तो यहाँ से हमने एक अध्यापक को यहाँ से रिलीव किया है, उच्च स्तर से जो है आदेश थे उसी के अगेंस्ट जो है छात्रों ने यहाँ पे तालाबंदी कर दी है। उनको बहुत समझाया भी हमने, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से कोई भी टीचर यहाँ नहीं जाएगा। हमने भी अनुरोध किया था पहले कि कहीं दूसरी जगहों से, जहाँ छात्र संख्या कम होगी इतिहास में, वहाँ से करने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन उच्च स्तर से फिर जो है दूसरा लेटर आया तो हमको यहाँ से एक जेंट्स अध्यापक को जो है रिलीव करना पड़ा। गुरुजी, जो यहाँ से टीचर को संबद्ध कर दिया है थलसेन में, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा छात्रों पर? उससे छात्र ये कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि यहाँ तीन पद सृजित हैं यहाँ पे, तो हमारे यहाँ छात्रों की संख्या ज़्यादा है इतिहास विभाग में, PG भी है, UG भी है, और सारे पद जितने भी एडमिशन में प्रवेश में होते हैं ये सारे भरे हुए हैं, तो इससे हमारी पढ़ाई पे प्रभाव पड़ेगा। तो यही प्ली जो है स्टूडेंट छात्र नेताओं की है, उन्होंने उनको समझाने के बावजूद भी जो है उन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक कर दिए कि हमारे महाविद्यालय से नहीं जाएंगे, तो उसी संबंध में जो है ये तालाबंदी कर दी।